तो अगर आप लोगों का कंफ्यूजन कि आप लोगों को Redmi 10 Prime लेना चाहिए या फिर आप लोगों को Infinix की तरफ से Infinix Note 11 लेना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। मतलब शुरुआत में बता दूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करना, अगर आप लोगों को मूवीज वगैरह ज्यादा देखनी होती है, वीडियोस वगैरह ज्यादा देखनी होता है, आप लोगों को ज्यादा मतलब तगड़े वाला कंटेंट देखना होता है, मतलब मूवीज वगैरह ज़्यादा देखनी होती है, तो आप लोग जा सकते हो Infinix Note 11 की तरफ। अगर आप लोगों को गेमिंग करनी है, आप लोगों को बैटरी बैकअप तगड़ा वाला चाहिए, आप लोगों को थोड़े लंबे टाइम तक फोन यूज करना है, देन आप लोग Redmi के फोन की तरफ जा सकते हो, यानी कि Redmi 10 Prime की तरफ जा सकते हो। बाकी डिटेल में मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। हेलो सुल्तान, मेरा नाम है। आज किस वीडियो के अंदर हम लोग जिन दो फोन का कंपैरिजन करने वाले, उन दो फोन का नाम मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहे वो सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लेना, उसके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं अपने Redmi 10 Prime के डिस्प्ले एंड डिजाइन की। तो इधर आपको मिलती है 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस का IPS पैनल, इधर आपको 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, इधर आपको पंच होल मिलती है, जो आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलते हैं, बैक साइड में आप लोगों को चार कैमरे मिलते हैं। वही बात करते हैं अपने Infinix Note 11 की, तो इधर आपको मिलती है 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस का OLED पैनल, इधर आपको स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, इधर आपको वाटर ड्रॉप नॉच टाइप मिलती है, जो आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है। वैसे डिजाइन वाइज ना आपको दोनों ही फोन काफी ज्यादा ओपी मिल जाते हैं, दोनों फोन में आपकी स्क्रीन पर आपको बैक साइड से शो कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आपको किस फोन का डिजाइन ओपी लगा है। बाकी Infinix के फोन के अंदर आपको बैक साइड में तीन कैमरे मिलते हैं। तो अभी चल लेते हैं कैमरे डिपार्टमेंट की तरफ। तो अपने Redmi के फोन के अंदर आपको बैक साइड में चार कैमरे मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा प्लस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट के लिए प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए इधर आपको मिलता है। इस फोन से आप लोग मैक्स फुल HD के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बात की जाए सेल्फी की, तो आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। वही बात करते अपने Infinix Note 11 की, तो आपको बैक साइड में तीन कैमरे मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल प्लस एक यूजलेस कैमरा आपको मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए, एंड उससे भी नीचे का आपको एक कैमरा और मिल जाता है एंड उससे भी नीचे का आप लोगों को एक कैमरा और मिल जाता है, जो आपको QVGA का मिलता है, जो आपकी लो लाइट के अंदर हेल्प करने वाला है, एंड करता भी है नहीं करता ये बात हमें पता नहीं, बट इधर आपको अगर मैं बताऊं तो काम का एक ही कैमरा मिलता है, क्योंकि इस फोन में आपको अल्ट्रा वाइड का कैमरा नहीं मिलता। बाकी इस फोन से आप लोग मैक्स 2K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वहीं बात की जाए सेल्फी की, तो आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। एंड Infinix के कैमरे ना मतलब काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, मतलब जो पहले Infinix का लेवल था एंड जो अब Infinix का लेवल है ना भाई, इन्होंने खुद कई बार ऊपर कर दिया है, एंड एक अच्छा आउटपुट आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। मैं बेस्ट नहीं बोल रहा, बट हाँ प्राइस के हिसाब से आपको एक अच्छा आउटपुट मिल जाता है। अभी बात करते हैं प्रोसेसर की, तो दोनों ही फोन के अंदर आपको डिटो प्रोसेसर मिलता है, दोनों ही फोन में आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो G88 का प्रोसेसर, जो आपको 12 nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, माली G52 का आपको GPU मिलता है। बात करते हैं बैटरी की, शुरुआत करते हैं अपने Redmi के फोन के साथ, तो इधर आपको मिलती है 6000mAh की बैटरी, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट आपको बॉक्स के अंदर 22.5W का फास्ट चार्जर मिलता है, एंड आपका फोन 18W की फास्ट चार्जिंग से ही चार्ज होगा। वही बात करते हैं अपने Infinix की, तो Infinix के फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलते, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 33W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड आपको 33W का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। देखो बैटरी डिपार्टमेंट में ना दोनों ही फोन काफी ज्यादा ओपी है। Infinix के साथ आपको एक ये बेनिफिट मिलता है कि इस फोन में आपकी जो फास्ट चार्जिंग है काफी ज्यादा आपको तगड़ी मिलती है, वहीं Redmi के अंदर आपको जो बैटरी का साइज मिलता है आपको काफी ज्यादा तगड़ा मिल जाता है, यानी कि बैटरी की जो आपको कैपेसिटी या फिर mAh जो मिलता है वो आपको काफी ज्यादा मिल जाता है, यानी कि 6000mAh काफी ज्यादा सफिशिएंट है। बट आपको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि Redmi के फोन के अंदर आपको IPS पैनल मिलता है, इधर आपको 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट भी मिलता है, जिस वजह से आप का बैटरी कंजप्शन थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है अपने Redmi के फोन के अंदर। वहीं अपने Infinix के फोन के अंदर आपको OLED पैनल मिलता है, जिस वजह से यहां पर आपको बैटरी कंजप्शन कम मिलेगा, यानी कि आपको ओवरऑल जो बैटरी बैकअप मिलेगा आपको सही मिल जाएगा, एंड इधर आपको कोई हाई रिफ्रेश रेट भी नहीं मिलता, जिस वजह से आपका बैटरी कंजप्शन कम रहने वाला है। तो दोनों ही फोन में आपको बैटरी बैकअप काफी सही मिलने वाला है, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को दोनों ही फोन के बैटरी बैकअप से। अभी बात करते हैं अपने Redmi 10 Prime के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर आपको 3.5mm का जैक मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, MIUI 12.5 मिलता है, स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, आईआर ब्लास्टर मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है, eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है, एंड इधर आपको वाइड वाइल L1 का भी सपोर्ट मिल जाता है। वही बात करते अपने Infinix Note 11 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो आपको 3.5mm का जैक मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैन मिलता है जो आपको साइड में मिलता है, फेस अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाता है, 393 की PPI मिल जाती है, फोन आपको 650 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ मिलता है, 7.9mm के थिकनेस के साथ मिलता है, 184 ग्राम का आपको फोन मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स
बॉक्स मिल जाता है। इधर आपको इन्फिनिक्स का यूआई मिलता है, एक्सओएस 10 मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, इधर आपको वाइडवेल L1 का सपोर्ट नहीं मिलता, एलपीडी DDR4X आपको रैम टाइप मिल जाते हैं, एंड इधर भी आपको eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है। तो अभी बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो अपने Redmi 10 Prime के अंदर आपको 4GB की रैम 64GB की तो मिल जाती है 12,500 के प्राइस पे, एंड वही बात करते हैं अपने Infinix की, तो Infinix में आपको 4GB की रैम 64GB की रोम मिल जाती है 12,000 के प्राइस पे। वैसे हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको दोनों में से कोई सा भी फोन बाय करना है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग बाय कर सकते हो, एंड अगर आपका कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ऑन दी स्पॉट वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। अभी बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की, भाई डिस्प्ले एंड डिजाइन के अंदर कौन सा फोन आगे निकलता है, तो डिजाइन तो भाई आपके ऊपर आता है कि आपको किस फोन का डिजाइन पसंद आ रहा है। बाकी मेरे को दोनों ही फोन के डिजाइन काफी ओपी लगे, बट स्टिल मैं यहाँ पर ओवरऑल डिजाइन के मामले में रेडमी को पिक करना चाहूंगा, क्योंकि इधर आपको पंच होल मिल जाते हैं, डिजाइन तो दोनों ही फोन के आपको अट्रैक्टिव मिलते हैं, तो पंच होल होने की वजह से मैं इधर रेडमी को पिक करना चाहूंगा। अभी रेडमी की बात करी लिए तो रेडमी की डिस्प्ले के अंदर आपको कुछ प्लस पॉइंट मिलते हैं, जैसे कि इधर आपको 90Hz का हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है, इधर आपको पंच होल मिलती है, बेटर PPI मिल जाती है, इधर आपको वाइडवेल L1 का भी सपोर्ट मिलता है, एंड इधर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिलती है। वही बात करते हैं अपने Infinix की, तो Infinix के फोन के अंदर आपको एक OLED पैनल मिलता है जो काफी ज्यादा तगड़ी चीज हो जाती है, मतलब मैक्सिमम लोगों के लिए IPS का 120 को भी वो लोग स्किप कर सकते हैं OLED के 60Hz के सामने। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप लोगों के लिए कौन सी ज्यादा चीज प्रायोरिटी आती है, IPS 120Hz या फिर आप लोगों के लिए OLED 60Hz का पैनल ज्यादा मतलब प्रायोरिटी के अंदर आता है। एंड उसी के साथ आपको Infinix का फोन थोड़ा सा पतला एंड थोड़ा सा हल्का भी मिलता है, एंड इधर आपको बेटर पीक ब्राइटनेस भी मिलती है। बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरे डिपार्टमेंट के अंदर आपको Redmi का फोन अच्छा मिलता है, बट वही बात करते हैं सेल्फी की, तो सेल्फी डिपार्टमेंट के अंदर आपको Infinix का फोन बेटर मिलता है। Redmi के पास प्लस पॉइंट ये भी जाता है कि इस फोन में आपको अल्ट्रा वाइड का कैमरा भी मिल जाता है बैक के अंदर, एंड जिसका ओवरऑल आउटपुट भी आपको मिलता है Redmi के फोन का आपको बेटर मिल जाता है अगर आप लोग इसको Infinix से कंपेयर करोगे तो। वही बात करते हैं प्रोसेसर की, तो दोनों ही फोन के अंदर आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, बट आपको जो ओवरऑल आउटपुट मिलने वाला है वो आपको Redmi के साथ थोड़ा सा बेटर मिल जाता है, क्योंकि Redmi के फोन के अंदर ना आपको एड्स वगैरह थोड़ी कम मिल जाती है अगर मैं इसको Infinix से कंपेयर करता हूँ, एंड ब्लोटवेयर्स वगैरह भी Redmi ने थोड़े से कम कर दिए हैं, एंड हाँ बक्स तो दोनों के ही UI के अंदर आपको मिलते हैं, ऐसे बक्स की तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों ही फोन के अंदर आपको बक्स मिल जाएंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। वही बात करते हैं बैटरी की, तो अगर आप लोगों को तेज वाली फास्ट चार्जिंग चाहिए तो आप लोग Infinix की तरफ जा सकते हो, अगर आपको ज्यादा mAh की बैटरी चाहिए तो आप लोग Redmi की तरफ जा सकते हो। बात करते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो अपने Redmi के फोन के साथ आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, उसी के साथ इधर आपको MIUI भी मिल जाता है। अब MIUI के साथ ना आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको जो MIUI वो आपको Infinix का UI से फार बेटर मिलता है, मतलब सीरियसली आप लोग फार समझ सकते हो, दोनों के बीच में आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस मिल जाता है। Redmi के फोन के अंदर आपको अपडेट वगैरह भी थोड़े लंबे टाइम तक मिलता है, सर्विस वगैरह अच्छी मिल जाती है Redmi के साथ, वही Infinix के ऊपर भाई मेरा ट्रस्ट भी कम है, मतलब अगर आप लोग देखोगे Redmi और Infinix में मेरे को कौन सी ब्रांड सही लगती है ओवरऑल, तो भाई मेरे को Redmi ज्यादा बढ़िया लगती है। वही Infinix के फोन के अंदर आपको ऐसा कोई एक्स्ट्रा फीचर मिलता नहीं है जो आपको Redmi के फोन के अंदर ना मिलता, थोड़ी सहलेंगे थोड़ा सा। तो Infinix के पास अपने जीरो एक्स्ट्रा फीचर्स जाते हैं जो अपने प्लस पॉइंट में जाएंगे अगर आप लोग इसको Redmi से कंपेयर करोगे। Redmi के पास स्टिल आपको दो फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि MIUI एंड इधर आपको IR ब्लास्टर मिलता है, एंड कुकर की सीटी भी आपको मेरे वीडियो के अंदर मिल जाती है। तो अभी मैं आप लोगों को क्लियर कट बताता हूँ कि आप लोगों को कौन सा फोन लेना चाहिए। देखो मैक्सिमम लोगों के लिए Redmi का फोन बेटर रहने वाला है, बट हाँ अगर आप लोगों की प्रायोरिटी के अंदर एक OLED पैनल वाला फोन आता है, अगर आप लोगों को कंटेंट वगैरह ज्यादा कंज्यूम करना है, आप लोगों को मूवीज वगैरह ज्यादा देखने हैं, देन आप लोग Infinix के फोन को बाय कर सकते हो। बट वहीं अगर आप लोगों को बेटर कैमरे चाहिए, आप लोगों को एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए, मतलब प्रोसेसर दोनों में सेम है बट एक ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चाहिए आप लोगों को, आपको थोड़ी महंगी वाली बैटरी चाहिए, यानी कि आप लोगों को थोड़ी मोटी बैटरी चाहिए, एंड अगर आप लोगों को गेमिंग करनी है देन आप लोग Redmi के फोन को बाय कर सकते हो। एंड मैक्सिमम केसेस के अंदर ना जो Redmi का मतलब ट्रस्ट है लोगों के ऊपर, Redmi का नहीं, लोगों का जो ट्रस्ट है Redmi के ऊपर वो आपको ज्यादा मिलता है। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन अच्छा लगा, आपकी कुछ भी राय वगैरह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।